कपड़े यहाँ क्यों फैले हुए? आप ही पैक कर रही हैं। क्या हुआ? फिर आसिम भाई से लड़ाई हो गई क्या? उनसे क्यों लड़ूंगी मैं? तो फिर इतनी तपी भी क्यों? मेरी बात सुनो। ये बासिफ है क्या यहीं रहेंगे? हैं? उन्होंने तो डेरा ही जमा लिया यहाँ पर। अरे वो तुम्हारी शादी के लिए रुके मैं, जैसे आप ही बहन है हमारी, वो रुक सकती है यहाँ पर। लेकिन बासिल भाई, एक प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है, अजीब सा लगता है। मगर हम उन्हें ये कह तो नहीं सकते ना कि आप हमारे घर में दादा ना रुको। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मम्मी मुझे यहाँ छोड़कर जाती है। इन हालात में काफी हमारा सहारा है, इसलिए हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप ही रहना यहाँ पर। वो क्यों रह रहे? वो तो जाए अपने घर पे, उनकी क्या जरूरत है हमें? और वैसे भी जैसे काम के तो वो है नहीं, सारे काम मम्मी और आप ही करते हैं। मुझे बस भी कर दो, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहनोई है वो हमारे। बहनोई है इसका मतलब ये नहीं है। अपना मतलब तुम छोड़ो, जब तुम हसन भाई के साथ यहाँ डेरा जमाने आ जाओगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। हसन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, अब तुम्हें कब से हसन भाई की ज्यादा लगने लगी? वाह भाई, बड़ी मोहब्बत जागती है। अच्छा तुम जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, अपने हाथ पांव धो और ये कपड़े समेटो। ये कपड़े मेरे नहीं है, आपके, उठा ले। आप ही वो ट्रांसपेरेंट वाली लिपस्टिक याद से लेके आए क्या? वो बहुत अच्छी है, आप पहले भी एक लाइन थी और वो इसने ले ली थी। अच्छा ठीक है। सोबिया कितना एडवांस मांगा था बेटा उसने? 20,000। अम्मी अच्छा, बहुत ज्यादती है मेरे साथ। अम्मी मुझे अपनी शॉपिंग खुद करनी है, मुझे भी जाना है मार्केट। कर लेना शॉपिंग बाद में भाई, अभी बहुत दिन पड़े हमें। मशल इधर आओ बेटा, ये लो ये पैसे संभाल के रखो अलमारी में और ताला लगा देना अलमारी को। अम्मी इतने सारे पैसे? इतने सारे कहाँ है बेटा, सिर्फ 6 लाख है। हॉल की और फर्नीचर की पेमेंट चली जाएगी तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है तुम्हारे अब्बू को पता चल गया था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, इसीलिए तुम तीनों के लिए इतना कुछ कर गए हो। वरना मैं कहां कर पाती ये सब कुछ। अम्मी चले ना, देर हो रही है, बासिल ने हमें ड्रॉप करके ऑफिस भी जाना। चले बासिल? चल। मशल पैसे संभाल के रख लेना और अलमारी को लॉक लगा देना याद से। जी अम्मी।